तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्योर की दुनिया। तो काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी बिकॉज वैकेशन पर थे, दिवाली छठ का सेलिब्रेशन चल रहा था। बट आज से वीडियो आपकी रेगुलरली अपलोड होना शुरू हो जाएगी। और आज हम पीआईक्यू शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, फिजिक्स वाला, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने एनालाइज किया पेपर 2022 का। मैंने देखा कि मैक्सिमम सवाल जो है कैरनॉट थ्योरम, कैरनॉट इंजन या हीट इंजन से पूछे गए हैं। तो आज का हमारा जो पहला पीआईक्यू है वो उसी पर बेस्ड है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ लैपटॉप में मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया है, ठीक है। तुमको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कैरनॉट इंजन हुज हीट सिंक्स एट ए 27 डिग्री सेल्सियस हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 25%, बाई हाउ मेनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 100 एफिशिएंसी बाई 100% ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैरनॉट इंजन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। फॉर्मूला जो है उसके बारे में बात करूँगा ताकि तुम्हारा रिवीजन भी साथ साथ होते चले और पीआईक्यू भी कवर होते चले, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एक हीट इंजन बना रखा है, इसको हम बोलते हैं, इसका जहाँ से हीट सप्लाई हो रहा है उसे बोलते हैं सोर्स, क्या बोलते हैं सोर्स, ठीक है। इसका मात्रा टेम्परेचर T1 है और जहाँ पर आता है तुम्हारा इसे बोलते हैं सिंक बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और T1 हरदम ग्रेटर देन T2 से होगा, सोचना क्यों, ठीक है। और यहाँ पर किसने कुछ इसने हीट रिलीज किया, ठीक है, तो वर्क के फॉर्म में जाएगी। मान लेते हैं कि इसने Q1 हीट सप्लाई किया और इसके पास Q2 हीट जो है Q2 हीट रिलीज हुई। तुम जानते हो कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, जब भी सोर्स से सिंक में जाता है तो कुछ पार्ट ऑफ हीट रिलीज होती है जो कि वर्क के फॉर्म में इस्तेमाल होती है। तो ये W का वैल्यू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा Q1 मैंने इतना सप्लाई किया और इतना रिलीज इतना मैंने सिंक में गया, तो बचा हुआ कहाँ आ जाएगा वर्क के फॉर्म में, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात करते, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कितना है हमारा, आउटपुट हमारा पास क्या है, आउटपुट हमारे पास ये आ गया Q1 माइनस Q2। इनपुट हमने कितना सप्लाई किया था Q1, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितना जाएगी, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1, ठीक है। और कैरनॉट थ्योरम क्या बोलता है, कैरनॉट थ्योरम बोलता है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। तो इसमें इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस का T2 अपॉन T1। T2 क्या है, T1 क्या है, ध्यान रखना T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर है, T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर है, ये हमें ख्याल रखना है। अब इसके थ्रू हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, अब सवाल पर आता हूँ, अपना मेन सवाल क्या बोला है, कैरनॉट इंजन हुज हीट सिंक्स एट ए 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी सिंक का टेम्परेचर, एडमिट T2 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, T2 का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, डेट इज कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो 300 कैल्विन, ठीक है। बाई हाउ मेनी डिग्री ऑफ द शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाई 100%, पहले इसकी एफिशिएंसी जो है कितनी है, एफिशिएंसी इक्वल टू 100% 25/100 0.25 है। अब बोल रहे हैं इसकी एफिशिएंसी 100% बढ़ाने के लिए, मतलब कि 0. अब एफिशिएंसी इसके 0.25 इंक्रीज, मतलब कि मान लो 0.25 बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या उसका 100% इंक्रीज कर रहे हैं, डेट इक्वल टू 0.25 पहले की, तो ये तुम्हारी डेट एफिशिएंसी 0.5 करने के लिए हमें सोर्स का क्या टेम्परेचर रखना होगा, सवाल में इसने ये पूछ रखा है। सबसे पहला हमारा बेसिक कर्तव्य ये बनता है कि पहले हम सिंक का टेम्परेचर निकाल लें, और वो कहाँ निकाल सकते हैं, इसका हम पहला एफिशिएंसी इक्वल टू, हम जानते हैं क्या था, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 माइनस का T2 अपॉन T1, ठीक है। तो पहले कैसे एफिशिएंसी कितनी है 0.25, 0.25 1 माइनस का T2 कितना है निकालना है हमको, T1 कितना है, T1 हमारा 300 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 300 केल्विन है, तो यहाँ से हम इसको इधर लाएँ, तो यह तुम्हारा 0.75, आई होप समझ पा रहे हो, माइनस का T2 अपॉन 300 के, यहाँ से यहाँ कैंसिल, डेडी अगर मैं बात करूँ तो क्या है, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 75 × 3, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ से कितना आ जाएगा T2 T1 इसे निकालना पड़ेगा ना, हमें यहाँ गलती हो गया, तो यहाँ एफिशिएंसी 0.25 दे रखी है, 1 माइनस T2 का वैल्यू क्वेश्चन की है ना 300,
टी वन सोर्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको लगा दीजिए, तुम्हारा 0.75 हो जाएगा 300 टी वन। कैलकुलेशन है, बस अब कर लेना। टी वन इक्वल टू जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा 400 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि टेम्परेचर कितना, अब इसका अब बोल रहा है कि एफिशिएंसी मैंने 100% बढ़ा दिया, मतलब अब एफिशिएंसी 0.5 हो गई। तब हमारा सोर्स का टेम्परेचर क्या हुआ और कितना से इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब एफिशिएंसी हो गई हमारी 0.5, तो 1 माइनस का T2 कितना है, अभी भी T2 तुम्हारा उतना ही रहेगा, 300 अपॉन, अब हम नया वाला T1 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको इधर लाओ यहाँ पर, 0.5 300 अपॉन T1, यहाँ से T1 की वैल्यू देगा 300 अपॉन 0.5, तो मल्टीप्लाइड बाई टेन देखो T1 इक्वल टू 3000 अपॉन 5, कितना आ जाएगा बताओ, 600, डेट इक्वल टू T1 इक्वल टू 600 केल्विन। अब बोलना है कितना से इंक्रीज हुआ, मतलब कि क्या हो गया तुम्हारा, T1 माइनस का T1 डेट इक्वल टू 600 माइनस का 400 डेट इक्वल टू 200 केल्विन से तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा सोर्स का, तब जाकर तुम्हारा 100% एफिशिएंसी आएगी। डेट इज हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी इज करेक्ट, इंक्रीज बाय 200 डिग्री सेल्सियस। देखो ये केल्विन में आ गया, देखो कभी भी टेम्परेचर का चेंज नहीं हो, डेल्टा टी केल्विन हो, डिग्री सेल्सियस हो, फॉरेनहाइट में हो, सबका सेम होता है, यानी 200 डिग्री सेल्सियस है, 200 केल्विन है, सेम होगा। बिकॉज क्या होगा, देखो जैसे इसको तुम केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273 करोगे, या -273 करोगे, फिर वापस माइनस करो तो वापस कैंसिल हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेल्टा टी हमारा केल्विन डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट सबके लिए सेम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा, मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, वैसे एग्जाम में गलतियाँ होती है, सोचते कुछ और हैं और फॉर्मूला में कुछ लिखा और होते हैं, इन सही बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें तुमको बहुत आगे ले जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा, समझ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ओके देन, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।